लीजिए। अरे मंजू, नहीं नहीं अभी, आई एम सो सॉरी, मुझे जाना होगा प्लीज। अरे नाश्ता तो खत्म करके जाइए ना। मैं आके खा लूंगा, मुझे एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, रियली मंजू मैं आज लेट हो गया। अच्छा सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई आए तो उसको बिल्कुल घर के अंदर मत आने देना, हो सके तो उसे घर के बाहर से ही कुछ बहाने करके निकाल देना। जी ठीक है, चलता हूँ। ठीक है बाय। हाय, मैं राज, अंकित का दोस्त। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, मैं अंकित का दोस्त हूँ। अंकित घर पे नहीं है क्या? नहीं, क्या काम है आपको? अरे वो, उसने कुछ फिल्में मंगाई थी तो वही देने आया था। हाँ आप मुझे दे सकते हैं। हाँ ये लीजिए। वैसे आपकी शादी कब हुई जी? आपका मतलब? अंकित मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन उसने मुझे अभी तक बताया ही नहीं कि उसकी शादी हो गई है। बदमाश कहीं का, उसको बताना चाहिए था कि उसकी शादी हो गई है और उसकी इतनी खूबसूरत वाइफ है। जी मैं तो देवर हूँ ना, तो मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ ना। भाभी जी नहीं बताया होगा, याद नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, आपने दे दिया ना। जी जी हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। वो आपने लंच कर लिया? जी मुझे लगा आपने लंच नहीं किया होगा इसलिए मैंने। आपका काम हो गया? जी हो गया। हेलो, क्या बात है मंजू, तू तो शादी करके हमें भूल ही गई। अरे नेहा हाय, कैसी है तू? मेरी छोड़, तेरा बता क्या चल रहा है। अंकित कैसा है? बहुत मजे कर रहे हो तुम दोनों। हाँ वो सब छोड़, तू ये बता तू कैसी है और जीजा जी कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, बस अभी शादी की एल्बम देख रहे थे तो मुझे तुम्हारी याद आ गई, तो सोचा फोन कर लूं। आखिर तुम्हारी प्रेम कहानी भी तो मेरी शादी से ही शुरू हुई थी। हाँ यार, कभी कभी ना मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर तेरी शादी ना हुई होती तो अंकित मुझे कभी ना मिलते। हाँ वो तो है। अच्छा एक बात बता, वो सब हुआ कि नहीं? वो सब? अरे यार वो सब क्या यार, तू भी। वो सब क्या? अरे तूने सुहागरात मनाई कि नहीं? नेहा कैसी बातें कर रही है, चीजे चीजे चीजे। इसमें चीजे की क्या बात है, ये तो हर पति पत्नी करते हैं। तो तेरा हुआ या नहीं? हाँ बोल ना मंजू। नहीं मैं फोन रख रही हूँ। अरे सुन ठीक तो, है बाय। दत्त ये भी ना कुछ भी बोलती रहती है। अरे तुम आ गए? क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। क्या हुआ? अरे बोलो तो सही। क्या बोलूं, थोड़ा सा परेशान हूं बस। तो हमें परेशानी का कारण बता दीजिए। वो हमारे ऑफिस वाले हैं ना, वो शादी की पार्टी मांग रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, पार्टी दे दो, पैसों का प्रॉब्लम है क्या कोई? अरे नहीं, पैसे तो हैं बट वो लोग घर आना चाहते हैं और तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। लो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं खाना बना दूंगी, आप बुला लो। सच में खाना बना लोगी? पक्का? अच्छा सुनो, वो तुम्हारा एक दोस्त आया था, कोई पेन ड्राइव देकर गया है। पेन ड्राइव? शायद राज होगा। हाँ
बहुत ही बदतमीज था। वो ऐसा लगता है बट दिल का बुरा नहीं है। रुको मैं चेक करके आता हूँ। हाँ बाहर ड्रॉवर है ना, उसमें ही पड़ी है। ठीक है, ठीक है, तुम लेटो मैं आता हूँ। वेंडले स्टार्ट कर दिया। गाइस गाइस गाइस, पता है हमें कोई यहाँ पर जल्दी पार्टी देने वाला है। ए भाई मैं पार्टी नहीं देने वाला, पहले ही बता रहा हूँ मैं पार्टी नहीं देने वाला। सच कह रहा हूँ। भाई तू अपने ऊपर क्यों लेता है? भाई मुझे देखेगा तो मैं अपने पे ही लूंगा ना। अरे मैं बताता हूँ वो क्या है, रत्नेश भाई का प्रमोशन हुआ है। कब हुआ? कब हुआ? कब हुआ? कब हुआ? चलो एक क्लू देता हूँ। हाँ उसकी अभी भी शादी हुई है। शादी? ए वर्मा है क्या? वर्मा है। गाइस 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 सुनो, शादी मेरी हुई है, मैं पार्टी देने वाला हूँ। हाँ। अरे यार बगल बगल में बैठ के शादी कर ली तूने? कब? और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे खर्चा करना पड़ेगा। अबे खर्चे की? हाँ? अरे दोस्त को नहीं बताया यार। हाँ यार शादी के बारे में। एक सेकंड, पर तुझे कैसे पता चला? अरे उसके हाथ में रिंग तो देख। हाँ? वो भाई व्हाइट गोल्ड है क्या? व्हाइट गोल्ड। वाह पार्टी कब दे रहा है? जब तुम लोग कहो। और जब तुम लोग कहो भाई, जैसे शादी की वैसे पार्टी दो। कल पार्टी दो। हाँ कल पार्टी दो। नहीं 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 कल का नहीं, कल का यार पहले बॉस से पूछ लेते हैं ना। अरे बॉस से क्या पूछना है यार, क्या पूछोगे बॉस से? बॉस को बोलो आ जाए। ये क्या, ये पोहे कब तक खाते रहेंगे? अच्छा अभी भाभी भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। बेटर आइडिया, मैं वही बोलने वाला था कि तुम लोग घर पे आ जाओ। हाँ पार्टी कर लेते, भाभी के हाथ का गर्मा गर्म खाना। यस डन। ठीक है तो फिर बॉस को तुम मना लेना। हाँ और तू हिसाब से खाना, पेट बाहर आ जाएगा। पोहे खाओ। मंजू बस आ गई मैं। अरे जल्दी करो यार, वो लोग आते ही होंगे। अरे यार जल्दी जल्दी करो यार। अरे देखो ना, ठीक है। और तुम तो बेकार में ही परेशान हो रहे हो, जब बोल रही हूँ ना सारा काम टाइम पे हो जाएगा, फिर क्यों इतना परेशान हो रहे हो? हाँ इसलिए तो मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना। अच्छा जी। तो बताओ जनाब ने हमारी क्या क्या मदद की? ये देखिए टेबल सजाया, ये प्लेट सब कुछ रख दिया यहाँ पर, और क्या। वो देखो वो लोग आ गए। अब जल्दी जाओ दरवाजा खोलो। हाँ, हाँ, हाँ। बस आई एम रेडी। हाँ हाँ अरे आओ आओ आओ, आओ। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये आदित्य। नमस्ते, ये विकास। नमस्ते। हेलो अंकित। हेलो सर। और ये हमारे बॉस मिस्टर शर्मा, ये मेरी वाइफ। हेलो। आइए सर बैठिए। तो अंकित कैसे मिले तुम भाभी से? अरे बस एक दोस्त की शादी में गया था तो वहां पे इसे देखा, अच्छी लगी, शादी हो गई। अरे यार ऐसे सूखा सूखा मत बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ यार। ओफो तो सुनो, एक मेरी फ्रेंड जिसका नाम है स्नेहा, उसके शादी में गया और वहां पे मैंने देखा ये वहां थी मंजू। उसे देखते ही मुझे बस दिल में ऐसा हुआ कि यही वो है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। Love at first sight। और दोनों के पेरेंट्स मान गए, कोई बोला नहीं कुछ? देखो ऐसा है, मेरे पेरेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो लोग तो मेरे लिए लड़की ढूंढ ही रहे थे, लेकिन मंजू जो है वो ऑर्फनेज में पली बड़ी है। तो पेरेंट्स का तो कोई सिनेरियो नहीं था उसके तरफ से। ये बात है। एक बात बोलूं अंकित, तुम्हारी वाइफ ने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। थैंक यू सर। और हाँ वो खूबसूरत भी उतनी है, क्या बात है। थैंक यू सर। लीजिए और राइस लीजिए, आप भी लीजिए। आपको दूं? एक बात बोलूं मंजू जी, तुम खूबसूरत नहीं बहुत खूबसूरत हो। भाभी आइए आप भी बैठ के खाइए ना। हाँ बैठो ना मंजू, तुम भी अपना प्लेट लेके आ जाओ। यार यार मुझे अब भी यकीन नहीं आता है कि इस बंदर को
इतनी खूबसूरत हूर कहां से मिल गई? क्या सर? अरे खाओ खाओ, इसलिए शादी पर नहीं बुलाया। हाँ सही बोला। बंदो ना। खाना खाओ यार। खा रहा हूँ भाई, खा रहा हूँ। मंजू जी। हाँ जी। सच कहता हूँ, आपने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया। शुक्रिया। जी करता है कि आपके हाथ चूम लूं। क्या करें आप सर, शर्म आती है आपको है? बेटी की उम्र की है आपकी, आपसे उम्मीद नहीं थी? अरे अंकित, मैं तो इनकी तारीफ कर रहा था, और जरा साड़ी नीचे गिर गई थी तो मैं तो पल्लू उठा रहा था। देखिए सर, मेरे पास ना समझने समझाने का टाइम नहीं है, निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से, निकलिए। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह बुलाकर मेरी बेइज्जती करोगे, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। इज्जत वाला कोई काम नहीं किया आपने, निकलिए यहाँ से। तुम ठीक हो मंजू? कहाँ चले गए सारे आज? एक भी ऑटो नहीं मिल रहा, ऊपर से न दूध मिला। शिट। अरे भाभी जी, कहाँ जा रही हैं आप? अरे कहीं नहीं, बस वो भाजी लेने आई थी और दूध लेने आई थी, देखा न दूध मिला है न भाजी मिली है, ऊपर से गैस भी खत्म है घर पे, और पता नहीं अभी ऑटो भी नहीं मिल रहा है कोई। अरे भाभी जी, आपको पता नहीं है क्या, आज ऑटो की स्ट्राइक है। हाँ? हाँ? आज कहीं ऑटो नहीं मिलेगा आपको। ओ, हाँ? तभी मैं सोचूं, इतनी देर से मुझे एक भी ऑटो नहीं दिखाई दे रहा। चलो ठीक है फिर। चलो ठीक है फिर। अरे भाभी जी बैठिए, पीछे बैठिए जल्दी से। अरे, मैं छोड़ नहीं, देता हूँ ना। ठीक है मैं चली जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही है, अरे नहीं, मेरे जैसा देवर होने के बाद आपको अकेले जाना पड़ेगा। आइए बैठिए भाभी जी। अरे बैठिए ना, अरे खुला बैठिए। हाँ, अरे वाह। लीजिए भाभी जी, आ गया आपका घर। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ अच्छा भाभी जी, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? ठीक है, मैं लाती हूँ। अरे तुम यहाँ? हाँ भाभी, मुझे प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी, मैं आ ही रही थी लेकर। कोई बात नहीं भाभी, मैं खुद ही ले लेता हूँ ना। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी प्यास बुझा दी। बाय भाभी जी, मैं चलता हूँ फिर, कुछ जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना। बाय बाय बाय। अजीब लड़का है। जी आप आ गए? आ गए आप?
क्या हुआ? कल की बात को लेकर नाराज हो? सॉरी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और सुनो, आज के बाद कोई बॉस हमारे घर नहीं आएगा। क्यों, क्या हुआ? क्या होना है, मेरी जॉब चली गई। क्या, कल की बात को लेकर? पता नहीं, बस मुझे इतना कहा गया कि कल से ऑफिस मत आना, दैट्स इट। लेकिन वो लोग आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने पूछा नहीं? मैंने जरूरी नहीं समझा पूछना। और देखो मंजू, जॉब गई है गई है, आई डोंट केयर, कहीं ना कहीं तो मुझे जॉब मिल ही जाएगी, और शायद थोड़ा वक्त लगे लेकिन मिल जाएगी। हाँ लेकिन देखो, लेकिन वेकिन से कोई मतलब नहीं है, मैं टायर्ड हूँ, मैं शार लेके आता हूँ। ठीक है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बेटा, तुम्हारा काम पूरा हुआ? हाँ प्रभु, मेरा काम पूरा हुआ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, आपने जो उपाय बताया उससे मेरी माँ की तबीयत बहुत ठीक हो गई। प्रणाम प्रभु। ठीक है बेटा, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी प्रभु। मैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान करूंगा। जी प्रभु। जी, जाओ बेटा। धन्यवाद प्रभु। कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ये तो बहुत ज्यादा परेशान है। अगर इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो कहीं ये डिप्रेशन में ना चले जाएं। लगता है मुझे उस नेहा के बताए हुए बाबा के पास जाना ही चाहिए, शायद वहीं से कुछ हल निकल जाए। मुझे अपने पति के लिए वहां जाना ही चाहिए। और मैं कर भी क्या सकती हूं, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं। ठीक है, मैं कल ही वहां जाऊंगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरी परेशानियों का कारण जानता हूं मैं। तेरे पति की नौकरी चली गई है। बाबा जी, आप तो सब जानते हैं, तो मेरी परेशानी का हल भी बता दीजिए। मैं यूं अपने पति को और दुखी नहीं देख सकती। बच्ची, जिस तरह हर बीमारी का इलाज है, उसी तरह इस दुनिया में हर परेशानी का हल भी है। बाबा सब ठीक कर देंगे। जी बाबा जी। तुम्हें सिर्फ एक पूजा करनी होगी। जी बाबा, मैं पूजा करने के लिए तैयार हूँ। पूजा के नियम बहुत कठोर हैं। बाबा, मैं सब तरह के नियम का पालन करूंगी, बस मेरे पति को नौकरी मिल जानी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, बाबा पे भरोसा रख, बाबा सब ठीक कर देंगे।
पूरा भरोसा है बाबा जी। मैं इस पूजा के लिए तुझे कुछ सामान लाने को कहूंगा और मेरा एक आदमी भी मेरे साथ रहेगा। ठीक कल सुबह 11 बजे आ जाना। जी बाबा जी, मैं आ जाऊंगी। समय पे आ जाना। जी बाबा जी, मैं बिल्कुल समय पर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल्याण हो, कल्याण हो। अरे आप आ गए? अब क्या हुआ आज? घर आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या फर्क पड़ता है, कौन सी नौकरी है मेरे पास? साला 10 ऑफिस के चक्कर मार चुका हूँ, अलग अलग कंपनी में बायोडाटा दिया लेकिन नौकरी कोई नहीं देता, तो मैं ना सब कुछ छोड़ के चले जाऊंगा। घर छोड़ दूंगा और ये तुम्हें छोड़ दूंगा सब। नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है। ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करते। चलो आओ अंदर। तो फिर क्या करूं मैं, कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा है। अरे मिल जाएगी नौकरी, मैं हूं ना बाबा। पक्का? चलो आओ चलो। अरे संभालिए संभालिए। नमस्ते। सामान ले आई? जी बाबा जी। बैठ जाओ। लीजिए ये लो पेन और पेपर, पति का नाम लिखना है इसमें। जी बाबा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लीजिए बाबा जी। अच्छा कपड़े लाई पति के? जी ये लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये लो पानी पियो, बाबा का प्रसाद है, डरने की जरूरत नहीं है। पी लो, पति की तरक्की होगी। अब मैं तुम्हारे लिए मंत्र का जाप करूंगा। ओम कालिकाय नमः स्वाहा, 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 ओम कालिकाय नमः स्वाहा। मंजू बुझा दे मेरी प्यास, बुझा दे मेरी प्यास मंजू। हटो हटो, दूर हटो, छोड़ो मुझे। आजा रानी आजा। बाबा जी मुझे क्या हो गया था, एकदम से चक्कर आने लगे तो उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया। बेटा ये मंत्र की शक्ति थी, अभी इससे तुम्हारे पति को नौकरी मिल जाएगी। सच बाबा जी? हाँ, जाओ, तुम पर पूर्ण कृपा हो गई है। ओम कालिकाय नमः।
जाओ। मंजू 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 क्या कर रहे हो? गिर जाऊंगी पापा। इस खुशी का राज तो बताओ। सोचो सोचो। एक मिनट, तुम्हें जॉब मिल गई। हाँ, लेकिन तुम्हें एक बात पता ही नहीं, मुझे मेरी पुरानी जॉब मिल गई। अरे क्या बात है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, बॉस ने मुझे सुबह फोन किया और बोले अभी ऑफिस आ जाओ। और फिर मैं ऑफिस चला गया तो वहाँ पे एक नया क्लाइंट मिला था, उसने बोला जॉब करोगे, और तुमने हाँ कर दी। यस। लेकिन एक और बात है। हाँ? मुझे प्रमोशन भी मिल गया। अरे वाह, आज तो गुड न्यूज की पहुँचारे हो गई है। यस, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हो गया। ये सब मेरी वजह से नहीं, ये सब बाबा की वजह से ठीक हुआ है। उन्होंने कहा था सब ठीक हो जाएगा, और देखो सब ठीक हो गया। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ना बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से जल्दी खाना लगा दो। अच्छा ठीक है बाबा, आप जाओ जल्दी से फ्रेश जाओ और मैं यूं खाना लगाती हूँ। ओके मैं आया। बाबा सब परेशानी का हल निकाल लेंगे। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा तुझे सब बता देंगे कि क्या परेशानी है, हल निकाल लेंगे। छोड़ो, बस तू बाबा को खुश कर दे। खुश कर दे बाबा को, मान जा मेरी बात, मान जा मेरी बात, खुश कर दे बाबा को, बाबा को खुश कर दे, मेरी बात मान जा, मान जा मेरी बात, बाबा की कृपा तुझ पर होगी रे, मान जा मेरी बात। छोड़ो बचाओ। कहीं उस दिन इस बाबा ने मेरे साथ तो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं किया। मुझे उस दिन चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गई थी। तेरे बच्चे की तमन्ना पूरी करने के लिए तुझे एक पूजा करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है बाबा जी, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। तो ठीक है, कल सुबह 11 बजे आ जाना। पाखंडी ढोंगी बाबा, तेरा भांडा फूट चुका है। नीच, तुझे नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? औरतों को बेवकूफ बनाता है तेरे को तो मैं। अरे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं किया। क्या कर रही हो? सुनो, अरे उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मारो मत, अरे मेरी बात सुनो, क्यों मार रही हो मुझे बता। अरे मैंने कुछ नहीं किया, सुनो। अरे मैं बताता हूँ आपको, किसने किया बोल। अरे हा? मेरे से गलती हो गई, सब उसके कहने पे मैंने किया। किसके कहने पे किया? एक आदमी आया था, उसने आपका फोटो दिखाया और आपका नंबर भी दिया उसने। कौन था वो? अरे, कौन था बोल। ठीक से मुझे उसके बारे में नहीं पता। झूठ बोलता, शर्म नहीं आती? झूठ बोल रहा है। वो प्रमोशन और नौकरी की बात कर रहा था। ये था क्या वो? हाँ यही तो था, इसने तो मुझे पैसे दिए थे, बोला बॉस को खुश करवा देना। और इसके साथ कौन था? इसके साथ एक टकला सा आदमी था, गंजा सा, बूढ़ा सा आदमी था वो। तू सच बोल रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, गलती हो गई मेरे से। अरे कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं। सुनो ना, चाय पीने का बड़ा मन हो रहा है, बनाओगी? प्लीज। मंजू जल्दी चाय ले आओ बाबा। हाँ लाती हूँ। थैंक यू।
अरे क्या हुआ? ठीक हो तुम? ऐसे क्या देख रही हो? I love you too. क्या था इसमें? क्या था इसमें? क्या मिला था? प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। डोंट वरी सर, जितना ड्रामा आज हम लोगों ने किया उसके बाद आई एम श्योर कि वो जरूर मानेगी। तुम्हें पूरा यकीन है कि मंजू मान जाएगी? 100% सर। अगर वो नहीं मानती है तो मेरे पास प्लान बी भी है। याद रखना, नो मंजू नो प्रमोशन। सर डोंट वरी, मंजू बिताएगी आपके साथ एक।